आप लोग तशरीफ लाए। हमारी ये मीटिंग आज है, इसमें कई मैसेज हुए हैं जो आपके सामने हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, वो आपके सामने इसको सजात लोन साहब जिनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया है वो आपके सामने वो पेश करेंगे। पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं, पीपल्स अलायंस, ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली मिलियामेट करने, उन्होंने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उन्होंने किया है, उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पेशनाश किया है और साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को एक धक्का दिया है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ ये एंटी नेशनल जमात नहीं है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो हकूक हैं वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। हमारी लड़ाई वहाँ पर है, हमारी लड़ाई इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं आपसे बात ये भी कहना चाहता हूँ, ये जगह मुल्कों में कर रहे हैं हम लोगों को मजहब के नाम पे डिवाइड करने की, उनकी ये कोशिश जो है बेकार होगी और फेल होगी। ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये वतन की तशख्स की लड़ाई है और उस तशख्स को बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे खड़े हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 370 को रिवाइवल करने की बात करते हैं, वहाँ हम उन रियासतों के हिस्सों की ऑटोनॉमी की बात भी करते हैं, जम्मू और लद्दाख उनको भी जो हमने एक वो बनाया था रीजनल ऑटोनॉमी का जो उनको हमने चाहिए, उनको मिलनी चाहिए कि उनको भी ये लगे कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। बाकी जो आज फैसले हुए हैं उनको मैं लोन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं। आज मैं यहाँ की बिजनेस को, एम्प्लॉयमेंट को, डेवलपमेंट को, अब हर एक का पे बैक पीरियड होता है। वो मैं हूँ, राणा साहब हैं, मुजफ्फर साहब हैं और हमारे तारिक अहमद साहब हैं। ये रिलेटिव कंपैरिजन गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, और सबसे बड़ी बात जो करप्शन का, सब जो कुछ भी है, पीपल ऑफ जे एंड के डिजर्व एंड पीपल ऑफ इंडिया डिजर्व टू नो व्हाट द रियलिटी, एंड इंशाल्लाह वी विल शो देम द रियलिटी विद फिगर्स। ये कोई रेटरिक नहीं होगा, कोई बयानबाजी। थैंक यू।